हेलो मेरे यूट्यूब के प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सबके लेकर आई हूँ बहुत ही डिलीशियस रेसिपी जिसे हम सब कहते हैं MTR खम्मन ढोकले की रेसिपी। अगर आपका भी मन करता है खम्मन बनाने का तो इससे आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी कोई आपको नहीं मिल सकती, तो इसे आप जरूर बनाइए और बनाकर इंजॉय कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर बनाते हैं। यहाँ पर हमने MTR खम्मन ढोकले का पैकेट लिया हुआ जो कि 180 ग्राम के करीब है। आप देख सकते हैं ये दिखने में एकदम बेसन की तरह है। मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी 2 चम्मच तेल। अब मैं इसमें डालूँगी पानी। जितना यहाँ पर मैंने मिक्सर लिया है उतना ही मैं पानी ले रही हूँ। 180 ग्राम मैंने यहाँ पर पानी लिया है। पानी को हमें एक साथ नहीं मिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। एक साथ हमें पूरा पानी नहीं डालना है, इस तरह से हम चलाते जाएंगे और पानी को थोड़ा थोड़ा इसमें मिलाते जाएंगे। ये देखिए ये मिक्सर हमारा तैयार होता चला जा रहा है। इस तरह से हम इसे मिलाते जाएंगे और पानी को भी थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं। यहाँ मैंने पूरा पानी डाल दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसे एक ही साइड घुमाना है, जिस तरह से आप घुमा रहे उसी तरह से घुमाएं। इससे हमारे ढोकले काफ़ी अच्छे से फूले फूले बनेंगे। ये देखिए मिक्सर तैयार हो चुका है। अब मैं यहाँ पर एक थाल वाला बर्तन लिया है, मैंने इसमें 2 चम्मच तेल डाला है। तेल को हमें एक ब्रश से अच्छे से इस तरह से फैला देते हैं जिससे ढोकला आसानी से निकल आएगा, चिपकेगा नहीं। अब मैं इसमें डालूंगी ढोकले का मिक्सर। इस तरह से हम सारा मिक्सर इसमें डाल देंगे अच्छे से। अब इसे इस तरह से हम फैला देते हैं चारों तरफ। अब यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा पानी गर्म किया, उसमें स्टैंड रखा हुआ है। अब इसी थार को मैं इसमें आराम से इस तरह से रख देती हूँ। अब इसे ढक्कन लगाकर मैं 15 मिनट तक पका लूँगी। अब यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से पक चुका है। ये देखिए चाकू एकदम क्लीन निकल आई है, यानी कि ये खम्मन तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें एक तड़का लगा लेती हूँ। मैंने यहाँ पर 4 चम्मच तेल लिया हुआ है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अब मैं इसमें डालूंगी 1 छोटी चम्मच, छोटी वाली राई है ये जो मैंने यहाँ ली हुई है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 बड़ी हरी मिर्च। इनको यहाँ पर मुझे 1 मिनट तक फ्राई करना है और इसे हम इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे जिससे मिर्च जले ना और आसानी से ये सॉफ्ट हो जाए। अब यहाँ पर मिर्च अच्छे से फ्राई हो चुकी है, आप देख सकते हैं। मैं इसमें डालूंगी 10 से 12 कड़ी पत्ते हैं ये, इसको भी यहाँ पर 1 मिनट पका लेंगे। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/4 कप पानी। इस खम्मन के पैकेट में शुगर पहले से ही ऐड होती है, लेकिन मैं 1/2 चम्मच और डाल देती हूँ। इस तरह से इसे चला देना है। साथ ही मैं इसमें डालूंगी 6 से 7 बूंदे नींबू के रस की। अब मैं 1 चुटकी इसमें नमक डाल रही हूँ, इसको भी इसमें मिक्स कर देना है और 1 मिनट में यहाँ इसे पका लेती हूँ। यहाँ पर 1 मिनट हो चुके, मैं गैस के फ्लेम को बंद कर दूंगी। खम्मन को मैंने यहाँ पर ठंडा कर लिया था। अब इसे एक थाल में हम आसानी से निकाल लेते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से निकल चुका है। मैं इसके पीसेस बना लूँगी इस तरह से। ये देखिए ये एकदम रूई जैसा सॉफ्ट बनकर तैयार है। आपको दिख रहा है, ये काटने में ही पता चल रहा है। ये देखिए कितनी आसानी से ये दब रहा है। इस तरह से हम इसकी सारी पीसेस बना लेंगे और इसे बनाना भी बेहद आसान है। आप देखिए ये कितनी आसानी से कट रहा है और ये बहुत ही टेस्टी बनता है, तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। इस तरह से मैंने इसके सारे पीसेस काट लिए। मैं इसे आपको एक उठाकर दिखाती हूँ। ये देखिए आप चारों तरफ से देख सकते हैं, ये एकदम रूई जैसा सॉफ्ट बना हुआ है। ये बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो चुका। मैं इसे दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। अब मैं इसमें तड़का लगा लूँगी। इस तरह से इस तड़के को हमें चारों तरफ खम्मन के ऊपर इस तरह डाल देना है। अगर आप भी मेरे बताए हुए तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसे बनाएंगे तो आपका भी खम्मन बिल्कुल इसी तरह बनकर तैयार हो जाएगा और ये खम्मन बहुत ही कम टाइम पर और एकदम फटाफट बनकर तैयार भी हो जाता है। मैं यहाँ पर डालूंगी ऊपर से कोकोनट पाउडर जिससे इस खम्मन का टेस्ट ज़्यादा और भी बढ़ जाए, तो आप लोग भी इस तरह से डाल सकते हैं। अगर आप कोई नई रेसिपी सीखना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ज़रूर बनाकर दिखाऊंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।